लगता है। तो मैंने शुरू से समझा है ये टूर्नामेंट को चौथा टूर्नामेंट मत समझिए, इस चौथा टूर्नामेंट से खेल के आपको बड़ा टूर्नामेंट आगे में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलना है, फिर स्टेट लेवल में खेलना है, इसका बाद नेशनल लेवल में करना है। हेलो एंड वेलकम टू अरुणाचल आई। राइट नाउ वी आर हियर एट द पंपोली ग्राउंड अंडर इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट। टुडे इज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ कामू रिमो फुटबॉल टूर्नामेंट एट पंपोली 2023 ऑर्गेनाइज बाय ऑल अबो मातम काउ वेलफेयर सोसाइटी। So let us know more about it.
है कि हमारा अरुणाचल का एक तो फेमस न्यूज़ चैनल है, उसको मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन की तरफ से और अबो मातम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच को कवरेज देने के लिए अब आया है, तो मैं ये टूर्नामेंट के बारे में कुछ ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। ये टूर्नामेंट जो अभी सेकेंड एडिशन है, सेकेंड एडिशन मतलब लेट कामू रिमो जो कि उसका बेटा यहाँ में करा है, करमे रिमो मेरा ही परिवार का है, मैं भी उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसका मेमोरियल में सेकेंड एडिशन खेला जा रहा है। तो सेकेंड एडिशन में मेरा राइट में करा है मेरा बड़ा भाई और परंग रिचम मातम नरी, ये ऑल अबो मातम का वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन है भी है, मेरा आउ को चीफ गेस्ट का रूप में बुलाया गया और हमको गेस्ट ऑफ हॉनर का रूप में बुलाया गया है। तो हम तो गेस्ट ऑफ हॉनर नहीं होने से भी जहाँ फुटबॉल खेलता है वहाँ मेरा आना निश्चित बात है, क्योंकि मैं इस कमिंग फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। हमको कोई भी टूर्नामेंट होने से हमको रेस्पेक्ट करके बुलाता है, तो हम जाके कुछ सब प्लेयर्स को समझाता है, कुछ इनकरेजमेंट वर्ड्स बोल देता है। तो आज भी मैं यहाँ प्लेयर्स को इनकरेजमेंट देने के लिए आया है, क्योंकि मैं फुटबॉल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस कमिंग फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ सिंस 2005 टिल डेट। तो आज मैंने मेरा इनॉग्रल टीम जो दो टीम खेल रहा है देखा है, तो दोनों टीम मेरा ही परिवार का है, खेल अभी भी खेला जा रहा है। तो ये दो टीम को भी मैंने बेस्ट ऑफ लक दिया है, अपना स्पोर्ट्समैन स्प्रिट्स को दिखाना है, अपना स्किल को यहाँ में दिखाना है, ताकि इसको नहीं सोचना है कि ये चौथा टूर्नामेंट है, क्योंकि एक कहावत है बूंद बूंद से सागर बनता है बोला, तो चौथा चौथा टूर्नामेंट खेल के बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेला जाता है। तो मैंने शुरू से समझाया ये टूर्नामेंट को चौथा टूर्नामेंट मत समझिए, इस चौथा टूर्नामेंट से खेल के आपको बड़ा टूर्नामेंट आगे में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलना है, फिर स्टेट लेवल में खेलना है, इसके बाद नेशनल लेवल में करना है। नेशनल लेवल तक भी सीमित नहीं होना है, वहाँ में अच्छा प्रदर्शन करके आपका स्किल को देख के आप इंटरनेशनल में खेलने के लिए सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए कोशिश करना है। तो ये हम हमेशा सुझाव देते हैं। तो ऐसे ही दिल में डिसिप्लिन हो के, डेडिकेट हो के, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो के, ये 3D जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी खेल में, चाहे वो फुटबॉल बोलो, चाहे वो वॉलीबॉल बोलो, कोई भी इंडिविजुअल गेम बोलो, कराटे बोलो, बॉक्सिंग बोलो, आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो हम ये सोचो तो मैंने पहले दे के रखा है, तो इस चैनल के माध्यम के द्वारा कोई भी सुन रहा है फुटबॉलर्स, कोई भी स्पोर्ट्समैन सुन रहा है, तो आप डिसिप्लिन होना है सबसे पहले, सेल्फ डिसिप्लिन, इसके बाद डेडिकेटेडली खेलना है कोई भी गेम हो, इसके बाद लास्ट में क्या है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। दिस 3Ds आर द की टू सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ गेम। थैंक यू अरुणाचल आइस मैडम कीपा CEO, तो आपके यहाँ हमारा सेकेंड एडिशन ऑफ लेट कामू रिमो फुटबॉल टूर्नामेंट को कवरेज करने आया है। तो ये हमारा ऑल अबो मातम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हम ये ऑर्गेनाइज लास्ट ईयर से किया है, आज सेकेंड एडिशन है और नेक्स्ट करेंगे 3 years कंटिन्यू। तो हमारा एक ये था कि हमारा सोसाइटी के एडवाइज़र थे लेट कामू रिमो मातम, तो उनके नाम से हम लोग उनका बच्चा जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी है हमारा करमे रिमो मातम भाई, और उसने इंटरेस्ट लेके तो आज सोसाइटी की ओर से हम ऑर्गेनाइज जो कर रहा है कि इसीलिए कि हम जैसे फुटबॉल लवर्स है और स्पोर्ट्स मैन है, तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो ये कर रहा है कि आपको ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन जैसे आज जो बच्चा जो आप देखा है इतना छोटा बच्चा जो पार्टिसिपेट मौका मिला है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारा समाज जो सोसाइटी जो स्पोर्ट्स एजुकेशन खास करके एजुकेशन हेल्थ स्पोर्ट्स को हम मायने रखते हुए तो बच्चा को यहाँ हमारा लेवल में जो टैलेंट है उसको सेलेक्ट करके हम आगे भेजने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट लेवल नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक
मौका मिले तो जाने के लिए हम यहाँ कास्ट जो हम ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आज का दिन में तो स्पोर्ट्स सिर्फ एजुकेशन नहीं बोल के स्पोर्ट्स का भी मेन ये है। तो कास्ट जो हम सोसाइटी जो हमेशा हमारा अबो मटम वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन और हेल्थ स्पोर्ट्स में हम मेन जो हमारा ये में एजेंडा में है तो उसको आगे बढ़ाना है, तो यही है तो हम लोग का आज मेन ऑर्गेनाइज करने का। और अंत में फिर मैं ये हमारा जो आउ कामू लेट कामू रिमो मतम का आत्मा कहीं भी हो उनको हम प्रे करता है शांति हो, और आपके जरिए ये मैसेज पास करता है कि हर समाज हर ये में इसी तरह अगर ऑर्गेनाइज करते हैं जो मेरे छोटा भाई जो इस कमिंग फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन ने बोला जैसा, तो हर कोई इसमें ज़्यादा हम साथ देने से अच्छा है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो हम दोनों जो आज की गोफ में जो एडवाइस दिया है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हुए डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और आगे बढ़ने का मन रखे, तो सिर्फ यहीं खेल जो यहीं सीमित नहीं होना है, यहीं ख़त्म होना है, तो हमारा यही मैसेज रहेगा। तो जितना भी यूथ्स है तो आपका ड्रग्स यूज़ ना करें, जो दारू यूज़ ना करें, तो हम हमेशा हमारा यूथ्स को यही सजाव देता है आप बिल्कुल ड्रग्स ना लें, ड्रग्स के जगह खेल कूद में जाइए, पढ़ाई में जाइए, तो हम हमेशा एज ए सोसाइटी के एल्डर्स मैं यही एडवाइस देता हूँ। मेरा अपील रहेगा जितना भी ये नॉट ओनली स्पोर्ट्स लवर्स, जितना भी जो पब्लिक है इस कमिंग का हो कोना कोना में जैसे बाना एरिया में इस कमिंग में जो भी ये है ये 27 तक रहेगा, आज से शुरू होकर हमारा 27 को फाइनल होंगे, उसमें फिर चीफ गेस्ट हमारा बाहर से जो ऑनरेबल VIPs लोग आएंगे और उसका आनंद लेते हुए उसको आनंद आज से आप लोग आनंद लीजिए, कंटिन्यू 27 तक होगा और ये गेम को आप लोग आनंद लीजिए, मैं सबको अपील करता हूँ। और कस करके फाइनल में जितना भी जो आज आ नहीं सका तो पूरा आने का कस होता है। थैंक यू।